आम चुनाव अब बेहद करीब है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो राज्यों का दौरा कर ही रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी किसी से पीछे नहीं हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर जाकर हिंदुत्व का कार्ड खेला, तो वहीं जनसभा को संबोधित कर मोदी सरकार पर भी जमकर बरसे। हिंदी पट्टी के तीन राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की जीत के पीछे एक बड़ी वजह पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के टेंपल रन को माना जा रहा है, जिसके बाद अब आम चुनाव में भी राहुल इसी एजेंडे पर चल रहे हैं। आज मिशन आंध्र प्रदेश की शुरुआत भी राहुल गांधी ने तिरुपति बालाजी मंदिर जाकर की, जहाँ राहुल ने भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की। बताया जा रहा है कि इस दौरान राहुल गांधी करीब 20 मिनट तक रुके। यहां हिंदुत्व कार्ड खेलने के बाद राहुल ने जनसभा को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने रफाल से लेकर नोटबंदी और पुलवामा मामले को लेकर सरकार पर कई वार किए। रफाल डील का मुद्दा उठाते हुए राहुल ने पूछा कि आखिर अनिल अंबानी की कंपनी को ये डील क्यों दी गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां पीएम को एक बार फिर चोर करार दिया। राहुल गांधी ने रफाल के साथ साथ पुलवामा मामले पर भी पीएम मोदी पर कई सवाल दागे। राहुल गांधी ने कहा कि जब देश के जाबाज शहादत दे रहे थे, उस वक्त पीएम मोदी दरिया में शूटिंग करवा रहे थे। राहुल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ सत्ता की भूख है, वो सत्ता के लिए राजधर्म को भूल गए हैं। पुलवामा के साथ साथ उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी का मुद्दा भी उठाया। राहुल ने कहा कि इस सरकार ने अपनी नीतियों से सब बर्बाद कर दिया है, देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।